और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। जिले के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि खनिज प्रतिष्ठानों में वसूली के रूप में मिली करोड़ों की राशि जिले के सरकारी स्कूल में फर्नीचर खरीदी में खर्च की जाएगी। साथ ही पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा पर भी चर्चा करने का निर्णय बैठक में लिया गया। प्रभारी मंत्री बिसेन ने जिला खनिज प्रतिष्ठान मध्य की राशि से कार्य करने के प्रस्ताव पर चर्चा और अनुमोदन किया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, जिला पंचायत सीईओ रोहित सिंह, जिला खनिज अधिकारी आशा लता वैद और कई अधिकारी उपस्थित थे। मनावर न्यायालय ने आज दुष्कर्म के आरोपी तेज सिंह को 7 साल की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। असल में 6 सितंबर को आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान पीड़िता ने पति के आरोपी को भागते हुए देख लिया, जिसके बाद पीड़िता और उसके पति ने मामला दर्ज करवाकर लंबी लड़ाई लड़ी। 376 भादस के अपराध में आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना दिनांक 6/9/2015 की है, दोपहर 2 बजे की है। पीड़िता जो है जंगल में लकड़ी गुनने के लिए गई थी, तभी वहाँ आरोपी